सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय ओम वृंदावई तुलसी देवी प्रियावई केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी तत्वत्ये नमो भक्ताभिना अपराध लक्ष्ये क्षिप्तश्च कर्णादि तरंग मध्ये कृपां त्वां शरणं प्रपन्नं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीलोक नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त लोगों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग भजन रहस्य की कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रथम ज्वाम साधन श्रद्धा तथा निशांत लीला वर्णन करते हुए नाम संकीर्तन की महिमा वर्णन कर रहे हैं। जिस प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे हैं भक्तिमन ठाकुर संग वर्णन करते जा रहे हैं कि किस प्रकार नाम ग्रहण करने से नाम प्रभु के मुख्य फल हम प्राप्त करें। संसार की भोग आदि अथवा मुक्ति आदि इस नामाभास में ही प्राप्त हो जाता है, किंतु यह नाम के मुख्य फल नहीं है। नाम के जो मुख्य फल जो है कृष्ण प्रेम है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में स्वरूप दामोदर राय रवंद के संबोधित करके कहने लगे, जे रूपे नाम लैले प्रेम उपजय ताहा लखन सुनो स्वरूप राम राम। महाप्रभु स्वयं स्वरूप दामोदर रायरमंद कहते हैं, ये स्वरूप दामोदर रायरमंद सुन, जिस प्रकार नाम कीर्तन करने से प्रेम हम प्राप्त कर सकते हैं उसकी स्वरूप सुनो। जिसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर इस भजन रहस्य ग्रंथ में उसी के ही वर्णन करते जा रहे जी। सोलो नाम 32 अक्षर है यह महामंत्र जो है, सोलो नाम 32 अक्षर युक्त श्री हरिनामी महामंत्र है। इसमें अष्टयुगल नाम है और श्री महाप्रभु ने अष्टयुगल को शिक्षाष्ट के रूप में जगत में प्रकट किया। प्रथम श्लोक से अष्टम श्लोक तक श्रद्धा से प्रेम अवस्था तक पहुंचने तक सोपान बताया कैसे हम धीरे धीरे प्रेम को प्राप्ति कर सकते हैं। दो तीन दिन जावत हम इसी के ऊपर हम श्रवण कर रहे हैं। ये भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं ये 8 जोड़ी जो हरिनाम है किस प्रकार कैसे मिलन और कैसे विरह, क्योंकि नाम साक्षात भगवत स्वरूप है, जुगल सरकार है राधा एंड कृष्ण, ये दोनों ही साक्षात स्वरूप है।
इसलिए हम लोग भी कई दिन से श्रवण कर रहे थे। ये प्रथम और द्वितीय जो जुगल नाम, हरे कृष्ण, ये दोनों में मिलन बताया गया है। और तृतीय जो जुगल नाम कृष्ण कृष्ण, उसमें विरह के बारे में हम लोग श्रवण किया है। इस संदर्भ में हम लोग भी श्रवण किया, जितने परिमाण हृदय में संबंधक ज्ञान उदित होगा और उतना ही परिमाण हृदय में ममता आदि उत्पन्न हो जाता है। ममता आदि के द्वारा ही सेवा वृत्ति जागते हैं, फिर वही वस्तु जब हमारे अविच्छेद हो जाते हैं, विरह हो जाते हैं, तब उसके लिए हम तड़पते रहते हैं। तात्पर्य यह है, जिसके मिलन है उसके विरह है, जिसके मिलन ही नहीं हुआ विरह कहां से हो जाए, यही बता दी। इसलिए पहले जुगल जो नाम जो है हरे कृष्ण, ये मिलन दिखाया गया, इसी से संबंध ज्ञान उत्पन्न होता है। संबंध ज्ञान के साथ अनुसार ममता और ममता के अनुसार सेवा वृत्ति जगते। जैसे उदाहरण दिया था, ऐसे कोई अनेक बहुत मूल्यवान धन आपको प्राप्त हुई, अनेक दिन तक आपके पास रहा है, और अकस्मात वो धन यदि खो जाए तो आप उसके लिए क्या करोगे, रोते रहो। यहां तक भी शयन में सपन में वही आपके पास आएगा, क्योंकि जो वस्तु हमारे आंखों से बाहर चले जाते वह वस्तु और अधिक रूप में हमारे मन को जो है कड़ीभूत कर लेता है। यथा दूरस्थिता स्त्रियां, जिस प्रकार पतिदेव दूर देश चले जाने पर सती साध्वी नारी जैसे अपने पतिदेव के सदा सर्वदा चिंतन आदि करते रहते, ठीक उसी प्रकार नाम प्रभु के प्रति एक विरह भाव उत्पन्न होता है। यह विरह ही हमें मिलन के क्या करते हैं और अधिक उत्कर्षता बढ़ाते हैं, इसलिए लिखा गया, न बिना विप्रलंबे न संभोग पुष्टि मस्म, विरह बिना मिलन की जो है उत्कर्षता नहीं होता है। इसलिए भगवान के अर्थ जोग माया के द्वारा ये विरह उत्पन्न करा देते हैं है। और विरह के पश्चात जो मिलन होता है उसमें एक अभूतपूर्व आनंद हृदय में होता है। ये सब कथा काल में सामान्य रूप में चंडीदास की कथा श्रवण कराया, स्वयं राधा जी कैसे अपने भावों की व्यक्त की। इस प्रकार विरह विच्छेद कालीन स्मरण, गोपियों की विरह जनित भावों का स्मरण करते हैं। चतुर्थ जुगल नाम में यानी हरे हरे, इसमें अजात रति साधक में हृदय में रुचि के साथ नाम संकीर्तन करते हैं और भगवान के निकट अहित की भक्ति की उद्दीपना प्रार्थना करते हैं। अजातरति साधक अत्यंत प्रीतिपूर्वक नाम करते करते श्री राधा कृष्ण की मिलन जनित लीलाओं को उद्दीपन होती है। मैंने सब समय ये बताया, इस भजन रस ग्रंथ में भक्ति विनोद ठाकुर दो प्रकार साधक के प्रति ध्यान रखा, एक है कौन जातरति साधक और एक अजातरति साधक। इसलिए हर जगह में भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते जा रहे हैं, रति उत्पन्न नहीं हुआ अभी, कभी कोई भी बात नहीं, नाम करते करते नाम प्रभु के कृपा से ही सारे अनर्थ नाश होगा, दूर हो जाएगा। और फिर नाम प्रभु के कृपा से ही संबंध ज्ञान और समस्त चित
अनुभव होगा। क्यों? नाम चिंतामणि स्वरूप, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामी। नाम नामी कोई भेद नहीं, साक्षात नाम प्रभु हृदय में उदित होकर के आपके अनुभव कराए। इसके पश्चात पंचम जुगल जो नाम हरे राम, अजातरति साधक अपने हृदय में दास भाव प्रकट होने की प्रार्थना करते हैं। यो इनंद तुम जो किंकर समय भवाम बुध, इसी श्लोक में दास भाव की प्रार्थना करते हैं। क्यों? कृष्ण के प्रति हमारे प्रथम जो संबंध दास से ले चलते हैं। यद्यपि शास्त्र में क्या दास के पहले शांत रस के कहा गया, किंतु शांत में सेवा बुद्धि नहीं है, ममता गंध नहीं, केवल निष्ठा रहते हैं। इसलिए रस विचार में शांत के थोड़ा सम्मान देते हुए दास से ही आगे बढ़ाते हैं, किंतु दास में सेवा वृत्ति है। इसलिए सेवा वृत्ति के द्वारा ही ममता आदि बढ़ते रहते हैं। इसलिए पंचम जुगल हरे राम ये नाम जप करते करते उनके हृदय में भगवान के निकट दास भाव प्रार्थना करते हैं। दास करी वेतन मरे कह कर कृष्ण प्रेमदान, ये मुझे अपने चरण कमल की दास बना लीजिए और वेतन क्या दीजिए, तनख्वाह कौन सा है, कृष्ण प्रेमदान। इस प्रकार कृष्ण दास होने की चिंता आसक्ति पूर्वक करते हैं और जातरती साधक गोचारण से प्रत्यागमन से पश्चात श्री राधा कृष्ण के मिलन लीला की स्मरण करते हैं। इस प्रकार नाम ग्रहण करते करते जातरती साधक नाम प्रभु की स्वाभाविक कृपा लाभ करते हैं और उनके हृदय द्रवीभूत होने लगता है, हृदय में शुद्ध सत्व उदित होता है एवं नाम ग्रहण में प्रगाढ़ रुचि होता है। शुद्ध सत्य विशेषात्मा प्रेम सज्जन रुचि चित्त स्मार्शीन चीत असो क्रीदसु भाव उच्चते। शुद्ध सत्य विशेषात्मा नित्य सिद्ध ब्रजवासी के हृदय में जो है प्रेम रूपी सूर्य सदा सर्वदा विराजमान, वही प्रेम रूपी सूर्य की किरण कण साधक के हृदय में प्रतिफलित होता है। एकमात्र एक किरण कब होता है, जब अनर्थ निवृत्त हो जाता है, चित्त संपूर्ण रूप से निर्मल हो जाते हैं, शीतल कड़िक बाध हो जाता है, तो उस समय संधिनी के ऊपर संबित और राधिनी प्रतिफलित होता है, तब उस समय हृदय द्रवीभूत होता है। इसलिए शुद्ध सत्य विशेष आत्मा प्रेम सृजांश रुचि भी चित्त मार्चिन की दशो, रुचि भी हृदय के इतने कमलीकृत कर देते हैं, द्रवीभूत कर देते हैं। भगवत नाम आदि श्रवण कीर्तन में इतने प्रबल आनंद उत्पादन होता है, आनंद हो जाता है। नाम में इतने आनंद होता है, और उस समय अनेक प्रकार की जो है क्रिया आदि दिख क्रिया आदि दिखाई पड़ता रहता है, जिसके हम श्रवण किया, जिसमें शांति व्रत काल तंग वृत्ति मान सुन्नता असा बंधु समुत्कंठा नाम गानी सदा रुचि आसुति तद गुणानुखण्य प्रति तद वसती स्थले, ये नौ लक्षण दिखाई पड़ता रहता है। इसको कहा जाता है तड़स लक्षण, वही लक्षण कहा जाता है। और फिर वही रुचि आदि के द्वारा चित्त में जो तीन जो स्वरूप लक्षण आपने अभी श्रवण किया है, जिसके कहा जाता है अभिलाषा, तीन प्रकार की अभिलाषा हृदय में आ जाता है।
भगवत प्राप्ति अभिलाषा, सौहृद भाव, कृष्ण के नित्य परिकर जन जो है उनके साथ एक सुहृद भाव, मित्रता भाव उत्पन्न होता है। जैसे जैसे साधक की हृदय में रस माधुर्य जो होता है, उसी प्रकार भक्त की साथ उनकी सुहृद सौहृद भाव होता है। सुहृद किसको कहा जाता है, मित्र किसको कहा जाता है, अपनी भावना विचार जिसके साथ मिलते हैं उसके साथ तो हम मित्रता करते हैं, जिसके साथ हमारे विचार नहीं मिलते उसके साथ हम मित्रता नहीं करते। मित्रता तब होता है जिसके विचारों के साथ भावों के साथ एकत्व हो, तब उसके सुहृद का। इसके गुण तात्पर्य भी बताते हैं, वह समस्त नित्य सिद्ध जो परिकार जो है, जैसे किसी के हृदय में माधुर्य रस है, वो मधुर माधुर्य रस में मंजरी भाव की साधना भजन करना चाहते हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी के उदाहरण दे रहे हैं, रूपानुभव आचार्य प्रवर रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी अधिक रूप में किसके साथ मित्रता रखे और किसके भावों की वो सदा सर्वदा प्राप्ति करने के लालायित हो रहे, लालायित हो रहे, किसका, रूप गोस्वामी का व रूपमंजरी का है। देखो विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में ये समझते, श्री रूपमंजरी करा अर्चित पाद पद्म गुष्टंदन भुजा अर्पित मस्तकाय, हा मदत कनक गौरी पदारविंदन सनवाणी सनके स्तम किम करीस्ते, भावों की प्रार्थना हो रहा है। यह तो कि पहले श्लोक में रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद की यानी रूपमंजरी के साथ कैसे भाव को समीकरण किया, तम रूपमंजरी पतिता पुरे, उसमें इस श्लोक में नाजनी कैसे सुंदर भावों के जो है अभिव्यक्ति करते हैं। श्रीला गुरुदेव कहते थे ये यथार्थ जो गुरु वंदना जी देखा वंदना किया जाए, ये रघुनाथ दास गोस्वामी की यही सर्वोत्तम गुरु वंदना कहा जाता है। गुरुदेव के एक लेक्चर में शंकर मथुरा में पाठ करते हैं, गुरुदेव की तो वंदना तो अनेक प्रकार की होते रहते हैं, अज्ञान होती मीरांध्र से करते हैं, कितने गुरु वंदना हो जाए, किंतु सर्वोत्तम जब हम उसकी वंदना करने के लिए जाते हैं, जो ऐसे महाभाव में ऐसे स्थिति में जब पहुंच जाते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी की वास्तव ये गुरु वंदना ही है, विशेष वैशिष्ट्य दिखाए। इस समस्त रस माधुर्य की विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। जैसे जैसे अधिकार होते हैं उस अधिकार के अनुसार साधक उसी प्रकार भाव लालसा आदि रखते हैं, सबके अधिकार समान नहीं है, सभी की भजन साधन सब एक नहीं, कोई 2 साल से भजन कर रहे हैं, कोई 1000 साल से भजन कर रहे हैं, कोई नानी कितने जन्म से भजन करते आ रहे हैं, भले ही इस जन्म में अभी आए हैं किंतु कितने जन्म वो भजन करते करते आ रहे हैं। शरीर तो बदल जाते हैं किंतु मन आत्मा तो बदलता नहीं। भक्तिमान ठाकुर कहते हैं हमारे शरीर बदल जाते हैं हर जन्म में, किंतु सूक्ष्म शरीर और आत्मा बदलता नहीं। आज में जिसके सूक्ष्म शरीर करे मन बुद्धि अहंकार बदलता थोड़ी, चलते जा रहे अनंत काल। हम कहते हैं अरे ये तो कनिष्ठ है, ये तो अभी अभी आए हैं, नया ब्रह्मचारी है, किंतु अभी नया 10 साल पहले इसी में ही तो था, वृद्ध था, कितने भजन करके तुम्हें पता ही नहीं है। आप बताओ कहाँ सुखदेव गोस्वामी, कहाँ व्यासदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी जब पधारे, व्यास पराशर आदि उस सभा में जितने बड़े बड़े संत महात्मा थे, सब लोग आसन छोड़ करके सुखदेव गोस्वामी ऊपर आसन दिया कि नहीं दिया, यदि कहो नहीं ये तो छोटा बालक है
ऐसे नहीं कर सकते। जेई भजे सही बड़ा अभक्त इंचार, कृष्ण भजन रे नाही जाति कुलादि विचार। जो भजन करते वो श्रेष्ठ है। ये अनेक दिनों तक भजन कर रहे हैं किंतु अब के भजन में परिपक्वता लाभ नहीं कर रहे, वह भजन में निष्ठा नहीं राग रहे हैं, तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। और जो अति अल्प दिन में ही भजन में निष्ठा रख करके बढ़ते जा रहे हैं वो श्रेष्ठ माना जाता है। यही हम विचार दे रहे हैं हमारे साथ। इसलिए हम जो कहते जा रहे हैं ये सौहृद भाव, सुहृद के भाव है। भगवत प्राप्ति अभिलाषा, सौहृद भाव और अनुकूलमय अनुकूल चेष्टा, अनुकूलमय चेष्टा, ये समस्त राग है। इस समय जो भजन की दिखाते जा रही ये स्वरूप लक्षण कहा जाता है। छांद्र अवर्त कालोत्तम विरक्ति मान्यता विरक्ति, ये समस्त जो है तर्शन लक्षण दिखाया जाता है। कभी कभी मैं बार यहां तक भी शांति शब्द के अर्थ क्या होता है, क्षमा गुणता ऋषि चित्त आदि, बड़े बड़े साधन कर्मी लोग भी ऐसे दिखा जाता है, क्षमा गुण हो जाता है। जैसे मैंने एक दिन मथुरा में उदाहरण दिया, आप लोग जानते हैं न्यूटन के नाम से ना, आइजक न्यूटन, उनके पास एक कुत्ता था, उसके नाम था डायमंड। कुत्ते के क्या नाम रखा था? डायमंड। 20 साल तक उन्होंने किया कि थीसिस लिखा है, और एक दिन किया कि अपने कुत्ते के छोटा कुत्ता ने डायमंड के अंदर में रख करके वो बाहर चले गए इंग्लैंड आदि ठंडी देश है, वहां पर वो कैंडल जो है वो जला करके रखा, और कुत्ता घूमते घूमते वो कैंडल के नीचे गिरा दिया। 20 साल की ही उनके सारे थीसिस क्या हो गया, छाई भस्म हो गया। उसमें लिखते हैं अपने जीवन का ही लिखा, तभी कुत्ते को वो मारा नहीं, हम देखते तो क्या हमारे क्या करते, सारे नष्ट कर, कुछ नहीं बोले। और अपने जब आए और कुत्ते के गोद में लेकर के थपथपाने लगे, बोले ये डायमंड तुमने किया क्या, तुम्हें पता नहीं। ऐसे ऐसे कर्मी साधारण एक जड़ जगत के जो है लोगों को दिखा जाता है। शांति क्षमा गुणता, शांति शब्द के मूल तात्पर्य है, क्रोध के कारण होते हुए प्रभी क्रोध प्रकाश नहीं करते, क्रोध क्रोधित नहीं होते, इसके कारण होता है वास्तव में इसके कार्य शांति कहा जाता है। तो ये समझता हूं कर्मी जोगियों में विश्वामित्र, विश्वामित्र और किसका नाम वशिष्ठ की कथा आप लोग श्रवण किया सर, कई बार हम ये वर्णन करते हैं। विश्वामित्र चाहते हैं ब्रह्मर्षि बनो, और वशिष्ठ बोले नहीं मैं आपको ये पदवी नहीं दे सकते, मैं ये स्टैम्प नहीं लगाना नहीं चाहता। तो उन्होंने कि सब मुनि सब ये वशिष्ठ नहीं करते तो इसको मार देता हूं, यहां तक भी उनके पुत्रों की भी मार डाला, सब पुत्रों के मार। और रात में वो आकर के वशिष्ठ के जो है बाहर खड़े रहे उसको मारने के लिए, उस समय वशिष्ठ ऋषि के पत्नी कह रही है अरे भाई इसको क्यों दे नहीं देते, क्या किसी को देने से वो थोड़ी बन जाता है, सर्टिफिकेट किसी को मिल जाए क्या वो बन जाएगा क्या। आजकल तो अनेकों जो है नकली करके भी एमए पीएचडी करके आ जाता है, करते नहीं है। पहले पहले हम लोग भी देखा है, दो चार क्लास पढ़ा और कुछ पैसा दे करके वो 10 क्लास की एक सर्टिफिकेट लेकर के आर्मी में भर्ती हो जाते थे। आर्मी में भर्ती होने के लिए भाई तुम्हें 10 क्लास सर्टिफिकेट चाहिए, तो स्कूल आदि में जो पैसा दे करके पढ़ा तो 3-4 क्लास
है, 10 वर्ष के तो सर्टिफिकेट ले लेने से क्या गुण आ जाता है, पढ़ाई नहीं किया तो कैसे। इसलिए उसी प्रकार वशिष्ठ देव के, वशिष्ठ देव के पत्नी कहने लगे आप क्यों नहीं दे देते। वशिष्ठ देव कहते मैं कैसे दे दूं, राजर्षि हो सकता है किंतु जो ब्रह्मर्षि जो होने के जो जो है उसे क्षमा गुण तो होना चाहिए। आज इनके ये गुण नहीं आ रहे हमें कैसे दे, वो समझते क्षमा गुण उसके हो जाए क्रोध उसके नहीं, तब मैं दे देता हूं। बस इस कथा को जैसे तब विश्वामित्र आकर के विशिष्ट ऋषि के निकट क्षमा प्रार्थना भी करने लगे। इस समय तो बहुत वर्णन है, देखो वशिष्ठ ऋषि के सपुत्र के मार डाला तथापि उन्होंने क्रोध प्रकाश नहीं। और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किसके दे रहे हैं, परीक्षित महाराज को दिया जा रहा है। इसमें जो उदाहरण दे शांति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किसमें है, परीक्षित महाराज है। सिंह ऋषि ने अभिशाप दिए, सात दिन के बाद अष्टम दिन में आकर के उनकी तक्षक जो है डसेगा, समीघ्र ऋषि पर सिंह ऋषि। और इसी कथा को जब श्रवण के परीक्षित महाराज क्रोध प्रकाश नहीं किए और प्रसन्न हुए, ये 7 दिन तक मैं जीवित रहूं, ऋषि वाक्य मुनि वाक्य सत्य है, दृढ़ विश्वास है। और ये 7 दिन में मुझे क्या करना चाहिए, सारे ऋषि मुनि को बुलाया, कौर्मी ऋषि, कौर्मी ज्ञानी योगी सब ऋषि को उन्होंने बुलाया। जैसे जैसे ऋषि होते अपने अपने विचार देने लगे, कोई कहते दान कर दो सब पुण्य करो स्वर्ग में चले जाओ है, कोई कहते योग साधना करो है, कौर्मी ज्ञानी योगी कोई कहते अध्ययन करो, जैसे ऋषि। किंतु उसी सभा में सुखदेव गोस्वामी पाद जब पधारे, और सुखदेव गोस्वामी पाद क्या बोले, ये तो निमित्त मनाना मिच्छतम अपुतो भयम जोगिनांग विनिर्णितम हरे नामानुकीर्तन है। भगवत नाम कथा हरि कथा श्रवण सर्वश्रेष्ठ है। और इसके बाद जो है भागवत कथा आदि प्रारंभ हुई श्रवण, और कैसे श्रवण किया उन्होंने, 7 दिन 7 रात अनशन व्रत रख करके, अनशन समय तो बिना खाए पिए सोए भी है, हम तो कोई चलो निर्जला व्रत कर लेते हैं किंतु रात में सो जाते हैं ऐसे मैं कभी कभी निर्जला व्रत कर लेता हूं किंतु शरीर जब निस्तेज हो जाते हैं निसी जागरण कर नहीं पाते, कोई अनशन व्रत हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ निसी जागरण नहीं किया आसन हमारे पूर्णता नहीं हुई। किंतु देखो परीक्षित महाराज ने किया कि कितने दिन श्रवण किया, 7 दिन 7 रात लगातार है, आश्चर्य की बात है। कभी कभी परीक्षित सुखदेव गोस्वामी पाद हरि कथा कीर्तन करते करते भावाविष्ट हो जाते है, बोल नहीं पाते। तो उस समय परीक्षित महाराज कहते हैं हे भगवान हे गुरुदेव हे ब्रह्मन मेरे समय अतिवाहित हो रहे, मुझे भगवान की कथा श्रवण कराइए, जिससे मुझे दंड मिला, तृष्णा के लिए मुझे दंड मिला था प्यास के लिए, आज वही मुझे कौन सा दंड, वो प्यास किस में होना चाहिए, भगवत कथा में, श्रीमद् भागवत 10वें स्कंध में इसमें वर्णन होते जा कथा की। आई कथा में हम जिस कथा प्रसंग वर्णन करते जा रहे हैं शांति वास्तव रूप में जो है शांति की
माने परफेक्ट एप्रोप्रिएट उदाहरण क्या परीक्षित महाराज किंतु ये सब क्या है, सब तटस्थ लक्षण कहा जाता है। सर्व लक्षण भगवत प्राप्ति कैसे में प्राप्ति हो, दिन रात करते रहते हैं, कैसे भगवान कैसे प्राप्त करें, साक्षात में दर्शन जैसे ब्रजदेवियों की प्रसंग आ जाता है, उत्कंठा वही प्रेम जिसको कहा जाता है। ब्रज में तीन प्रकार के प्रेम के बारे में हमारे आचार्य उपाद ने कहा, जीव गोस्वामी पाद, क्या क्या है? एक है उत्कंठामयी प्रेम ब्रजदेवियों के, जो साक्षात गोविंद की दर्शन बिना उनकी विरह समाप्त तो नहीं होता, इसलिए उत्कंठामयी प्रेम का विश्रम्भ प्रेम जिसको कहा गया। ये सखाओं के हृदय में जो प्रेम जो है कृष्ण के साथ उसे कहते हैं विश्रम्भ प्रेम। और तीसरी जो है प्रेम क्या, विवेक शून्य प्रेम। ये वृंदावन में पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि में ये विवेक शून्य प्रेम को दिखा, समय के अनुसार इस पर वर्णन किया जाएगा। ये भजन रस में सब कुछ है, रहस्य के सर्वत सब कुछ ओपन किया इसमें भक्तिमान ठाकुर ने, बहुत सुंदर शब्द इस कथा के। इसलिए यहाँ पर कहते जा रहे हैं षष्ठ श्लोक में मिलन की भी वर्णन होते जा रहे हैं। अभी सप्तम श्लोक में जातवती साधक इस जुगल राधा कृष्ण की मिलन लीला का स्मरण, सप्तम जुगल नाम क्या है, राम राम है? राम राम क्या है, दशरथ महाराज की पुत्र राम है नहीं है, राम कौन है, रमयतीति राम है, रमन विहारी जो सदा सर्वदा जिगल की रमन होता है, है? इस मधुर रसाश्रय के नाम जुगल रस के एकांतिक सेवाभाव से श्री राधाकृष्ण के एकांतिक पदाश्रय अर्थात अभिन्न हृदय का पल्लवदासी का भाव प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर इसमें गुरु तात्पर्य जो बता रहे हैं, विरह उत्पन्न हो जाता है, जुगायित निवेशम सुखसा पापृषायितम सुन्नायितम जगत सर्वम गोविंद विरह। उस समय इतने विरह उत्पन्न होता है, नाम संकीर्तन करते करते उत्कंठित होते रहते हैं, ये कैसे जुगल सरकार के हमारे दर्शन हो, ये समस्त कुंज के अभिसार आदि ये समस्त वर्णन हुए है। बहुत गुरु तात्पर्य हमारे भक्ति विनोद ठाकुर बताते जा रहे हैं, जो अधिकारी साधक है नाम भजन करते करते उसी के चिंतन करते रहते हैं, सभी के लिए कर रहे हैं, जात रति और अजात रति सभी भक्त इसके चिंतन करें, क्योंकि नाम जप करने के समय चित्त उधार उधार भटक जाते हैं ना, कभी नाम करते हैं किंतु नाम करते करते चित्त कहाँ चले जाते हैं, दूसरी जगह में चले जाते हैं। यहाँ तक भी कभी कभी आपके भी देख, आप जानते हैं नाम करते करते कितने माला किया आपको भी पता भी नहीं, कभी कभी एक दाना नीचे उतारने भी आप भूल जाते, कभी कभी एक साथ में दो तीन दाना भी आप नीचे उतार देते हो, बोले इतने समय नाम किया तो कुछ नहीं किया है। आज समझे कोई पूछेंगे भाई तुमने कितने नाम किया, एक घंटा तुमने नाम किया, बोले कितने नाम किया, कोई की करते ना एक साथ में चार पांच नीचे कर देते हैं शंखा के जो होते हैं ना किंतु नाम करते करते चित्त भटक जाता है, विषय चिंता में चले जाते अथवा इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि नहीं
नाम करते करते नाम ही चिंतन करें, चित्त के स्थिर करा करके नाम प्रभु के स्मरण करें। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद उपाधि सामृतम ही श्लोक में लिख रहे, अष्टम श्लोक में क्या लिखा, तन्नाम रूपचरितादि सुकृत नानु स्मृतो प्रमेनोरसना मनोसी निजोजुन तिष्ठन व्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालंगनय अखिलमित्त उपदेश सार। जितने प्रकार उपदेश है, समस्त उपदेश के सार है, कृष्ण के मधुर नाम आदि कीर्तन का। जैसे हमारे भक्ति मंडा कीर्तन है, राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र, जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र, जय जय राधा रमन रस बिहारी श्री गोकुलानंद, जय जय राधा रमन रस बिहारी श्री गोकुलानंद, जय राशेश्वरी बीन दिनी भानुकुल चंद्र, जय जय राशेश्वरी बीन दिनी। भक्ति विनोद ठाकुर कैसे सुंदर कीर्तन प्रणाली है। इसमें से कीर्तन कृष्ण के मधुर नाम, मधुर नाम क्या, जिस लीलाओं के साथ मधुर लीला युक्त है, नाम के साथ। जैसे रास बिहारी करने के कृष्ण के रास की चिंतन आ जाए, श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र, जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन, जय जय राधा रमन रास बिहारी श्री गोकुल आनंद, जय जय रासेश्वरी विनोदिनी भानुकुल चंद्र। कितना सुंदर जुगल की नाम किया, इसमें तो चिंतन है। मेरे गुरुदेव इसलिए हर समय कहते थे, थोड़ा नाम करो, ठीक से करो, भोजन करो ठीक से भोजन करो, है भोजन करो ठीक से भोजन करो, है उसी प्रकार नाम ग्रहण प्रणाली दिखा दी। तन्नाम रूपचरित सुकृत कर्मणा रसना मनोसी निज, तिष्ठन ब्रजे, सदा सर्वदा कहाँ रहना चाहिए, ब्रज में, वृंदावन में वासनी चाहिए। और वृंदावन में कहाँ बात होनी चाहिए, जहां पर राधा गोविंद की मधुर लीलादि हो, अनारद्ध राधा पदाम्बुजरेण अनाश्रित वृंदा अटवी तत्पदांकम असंभस तद्भाव गंभीर चित्तान कुत श्याम सिंधु रस सावगा हो। रघुनाथ दास गोस्वामी का ये समस्त विचार रखना पड़ता है, बहुत सुंदर भाव को दर्शन करते हैं। कितना सुंदर रघुनाथ दास गोस्वामी का राधे की निष्ठा, राधा जी के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा रखना। जहां जहां पर राधा राधा कृष्ण की पदांकित भूमि है वहां पर जाएंगे, एक स्थान पर नहीं जाएंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी कहां पर, सखी स्थली। रघुनाथ दास गोस्वामी भजन की परिपाटी भी दिखाए, राधा कुंड में रह करके उत्कंठा के साथ वैराग्य के साथ भजन करते थे। कोई एक ब्रजवासी नित्य प्रत्यह उनके जो है मट्ठा लेकर के दोने में भर करके मट्ठा दे दे। एक दिन एक वही ब्रजवासी, वृद्ध ब्रजवासी बहुत सरल है, दोना भर करके मट्ठा जो दिया, रघुनाथ दास गोस्वामी कहने लगे, हर रोज तो आप मट्ठा एक दोना ले तो आज इतने बड़े मट्ठा क्या बोले दोना कहाँ से मिले। वो सरल ब्रजवासी बोले, आज मैं कहाँ चले गए, सखी स्थल पर, चंद्रावली के स्थान पर, और वहीं पर देखा बड़े बड़े दोना मिले। बस देखो, उस नाम सुनते ही रघुनाथ दास गोस्वामी लाठी लेकर के उसको मारने के लिए दौड़े। तुम चंद्रावली के स्थान चले गए, जो हमारे राधा जी की भाव भावना की, जिसका अनारद्ध राधा पदाम्बुजरे अनाश्रित वृंदा उठवी तत्पदांक, राधा निष्ठा धाम निष्ठा दिखाए।
रघुनाथ दास कृष्ण के जीवन चरित एक अभूतपूर्व है और गोस्वामी के जीवन गोस्वामी के भजन की स्थान जो है गति जिसको कहा जाता है, भजन गति जिसको कहते हैं, ब्रज में उन्हें स्थानों में मिलेगा आपको। यहाँ तो रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद की भजन स्थली कई जगह में है, ब्रज में बहुत जगह में। किंतु देखो हमारे रघुनाथ दास कृष्ण की एक ही भजन स्थली है, कहां पर है? राधा कुंड। और कोई जगह है राधा कुंड छोड़कर के कहीं है? जगन्नाथपुरी के पश्चात जब महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए, फिर कुछ समय के बाद स्वरूप दामोदर आए, सब महाप्रभु के एक एक भक्त जब जलाधर पर सब चले गए, रघुनाथ दास गोस्वामी विरह में जगन्नाथपुरी से आकर के यही राधा कुंड के तट पर भजन करने लगे। और उस समय उन्होंने नाजिनी कितने भावों की व्यक्त कर दी, जो विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में एक एक भावों के जो है वो उद्गार कर रहे, पुष्पांजलि दे रहे हैं। भजन ऐसे करते थे जेठ महीने में इतने कड़ी धूप की जाए, अस्तन कुंड के तट पर रह करके राधा जी की चिंतन करते हुए भजन करते, जिससे स्वयं राधा जी की सहन नहीं है, स्वयं राधा जी उनके सिर पर जो है अपने अंचल रख करके छाया प्रदान करते। रघुनाथ दास के सनातन गोस्वामी पाद ने देख, सनातन गोस्वामी पाद करने रघुनाथ तुम राधा जी की सेवा करना चाहते हो, सेवा लेना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो, देखो तुम ऐसे स्थान पर भजन के स्वयं राधा जी तुम्हारी सेवा करते हैं। ये सब उनकी कथा जीवन है, भक्ति भक्ति रत्नाकर में वर्णन है। तो क्या करना चाहिए, तो उनके लिए स्वयं सनातन गोस्वामी उनके लिए एक भजन कुटी भी बना दिया, फिर यह भजन रात्रि भजन। और कैसे भजन करते थे, दिन रात रोते रोते बस नाम करते थे। यहां तक भी उनके एक वैराग्य देख करके कृष्ण के हृदय भी द्रवीभूत हो गया। स्वयं कृष्ण आकर के कले रघुनाथ मैं तुमकी कृपा करता हूं, मेरे कृपा ग्रहण करो। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या बोले, यदि प्राणेश्वरी श्रीमती राधी के कृपा नहीं हो प्राणी जो गुरु बकार ना, हे बकारी कृष्ण तुम्हारी कृपा हमें जरूरत नहीं है। कृष्ण की कृपा प्रार्थना व कृष्ण की कृपा प्राप्ति करने के लिए कितने लोग तपस्या कठोर आदि करते रहे, और रघुनाथ दास गोस्वामी कृष्ण की प्रार्थना के क्या कर रहे हैं, ठुकरा में जरूरत नहीं। यदि राधा जी मुझे कृपा नहीं करे तो कृष्ण तुम्हारे की जरूरत है। काल मैं आदि चालित गणित गमित संप्रदे संचेत कृपा में कृपा विधा विधा तो नहीं बकी मैं प्राणी बरजू बकारी नापी, हे बकारी कृष्ण मैंने बकासुर के वध करने वाले बकारी कृष्ण तुम्हारी कृपा मुझे ली, राधा कृपा करा। यह तो अंतिम में रघुनाथ कृष्ण में यह भी प्रार्थना करते हैं, हे रूपमंजरी यदि राधा जी हमारे ऊपर कृपा नहीं करे तुम प्रार्थना करो, यदि राधा जी हमारे ऊपर कृपा नहीं करें किंतु यह मेव संस्थिति यही राधा कुंड में मेरा शरीर समाप्त हो जाए, क्योंकि श्रीमती राधिका और कुंड में कोई भेद नहीं है। कितना राधा जी की प्रगाढ़ अनुराग दिखाई, इसलिए कहते राधा ही कनिष्ठ है, इसलिए हमारे आचार्य पद यही राधा ही कनिष्ठ कहते हैं, मंजरी भावों की विशेष वैशिष्ट कहा जाता है, जहां पर तत्त भाविच्छ आत्मिका भक्ति भावोल्लास रति आदि ये सब वर्णन है, ये समस्त वर्णन किया। इसलिए कहते हैं अनारद्ध राधा पदाम्बुजरेण अनाश्रित बृंदा अटवी तत्पदांकम असंभस तद्भाव गंभीर चित्ता, तद्भाव गंभीर चित्ता उसी प्रकार गंभीर भाव
राहल की भाव गंभीर, उनकी ऐसे भक्तों की संग, तार भक्त संग सदा रस लीला प्रेम कथा, ये करे से पाए राधिका चरण रेण, कितना सुंदर भावों के। उसी प्रकार उस भक्त की भी संग होनी चाहिए, वृंदावन में बात, राधा कुंड में बात, कोई साधारण नहीं है। भक्त संग, वह भक्त संग कैसे होने चाहिए, उसी प्रकार भक्त संग, तार भक्त संग सदा रसलीला प्रेम कथा, जे करे से पाए धनुष। राधा जी के भाव में सदा सर्वदा डूबे हुए, ऐसे भक्त की संग प्राप्ति हो, ये तो हमारे जीवन की आशा है। वृंदावन में रह करके भजन की गुण तात्पर्य ही है, ऐसे भक्त के साथ में दीवारत्र रहें और उनकी मुखारविंद से ऐसे कथा आदि श्रवण की हमारे सौभाग्य प्राप्ति हो। वास्तव सभी करते हैं, वृंदावन वासम ममस्तु में है, वृंदावन में वास, वास सत्य है, किंतु वास करने की तात्पर्य क्या है। उसी प्रकार तथापि धाम प्रभु कृपा करेंगे, समय समय आने पर धाम प्रभु कृपा करेंगे, धाम चिन्मय है, किसी भी प्रकार से धाम में रहें, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर कहते शरीर के द्वारा यदि धाम बात संभव नहीं हो तो अति अवश्य मन के द्वारा धाम में बात करें, मन के द्वारा अति अवश्य ही धाम की बात। आज जिसका शरीर मन दोनों की तरह बात करते हैं तो उसके तो उसके भाग के लिए और क्या कहा जाए, तो भाग गई है। जिसको कहा जाता क्या सुने में स्वाद, कितने सुंदर सौभाग्यवान जी है, शरीर मन तन मन आदि के द्वारा ही वृंदावन में बात करते हैं, धाम बात करते हैं। ऐसे संत महात्मा, अनेक संत महात्मा है वृंदावन में निवास करते हैं, ना किसी की निंदा करते हैं ना किसी की परिचर्चा में जाते हैं, लोग समझ नहीं पाते उनको, निष्ठा के साथ रहते हैं, किसी पचड़ में अचड़ पचड़ में नहीं जाते हैं, बस अपने धुन में रहते हैं, चिंतन में रहते हैं, न लाभ पूजा प्रतिष्ठा न कुछ भावना है, बस अपने प्राणेश्वरी श्रीमती राहा के भाव में डूबे रहते हैं। वास्तव उनके जो है धामवास कहा जाता है, बहुत है वृंदावन में, राधा कुंड में, राधा कुंड में ऐसे ऐसे संत महात्मा भी आदि तक भी विराजमान है, रहते नाम भजन करते रहते हैं, हर रोज राधा कुंड की परिक्रमा लगाते, किसी के साथ बातचीत नहीं करते हैं, लीला आदि स्मरण करते रहते हैं, किंतु कौन समझेंगे कैसे है? ऐसे बहुत है उदाहरण है, यहां तक भी बड़े बड़े संत महात्मा देवता लोग भी मानो वृंदावन की वृक्ष आदि के रूप में भी विराजमान रहते हैं। जैसे हम गुरुदेव के साथ जाते थे मान सरोवर में, गुरुदेव जाकर के वहीं पर ये उत्तर ये उतार करके वहीं पर लोट पोट खाते, वह वृक्ष के प्रार्थना आदि करते, गुरुदेव कहते थे देखो ये सघन वृक्ष आदि देव ये कोई साधारण नहीं है, ना जिन कौन सा जन्म की संत महात्मा कोई वृक्ष के आकार धारण करके राधा जी की कृपा प्राप्ति करने के लिए भजन कर रहे, वृक्ष में भजन कर रहे।
हम तो जड़ नेत्र में देखेंगे, जड़ आंखों से देखेंगे, ये तो पेड़ है, है? किंतु नाजनी कितने भजन कौन किस रूप में भजन आदि करते जा रहे हैं, क्या समझते हैं? निधु भवन आदि ये समझते जान है? इसलिए तो हमारे उन्नाथ दास गुस्से में क्या, जत किंचित तिनकुल में किकट मुखांग गोष्ठे समस्त तत् सर्वानंदमय मुकुंद लीलानुकूल परम शास्त्रीय एवं स्फुटमित निश्चिंत जान चया ब्रह्मादेवी सत्प्रिय मदियम तया बंदते है? जत किंचित तिनकुल में किकट मुखांग गोष्ठे समस्त तत् है? ये वृंदावन में गोष्ठ में वृंदावन है, देखो कीड़े मकड़े स्पाइडर मन मकड़े है बिच्छू आदि हो देखने में थे, किंतु सब राधा कृष्ण के लीला अनुकूलम परम, राधा कृष्ण की लीला के अनुकूल है, प्रतिकूल कहीं नहीं रहता ही है, लीला अनुकूलम परम शास्त्र स्फुट में निश्चिंत जान जा ब्रह्मादि शास्त्रीय मदियम क्या बंद, ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता लोग ऐसे भाव प्राप्ति करने के लिए कितना कठोर तपस्या आदि करते रहे, उद्धव आदि बड़े बड़े महाजन है, नारद आदि बड़े बड़े महाजन है, कुसुम सरोवर के तट पर रैट रह करके क्या कैसी कठोर तपस्या आदि, तब जाकर के उनकी नारदीय गोपी भाव प्राप्ति हुई, ऐसे दिखा गया है नारदीय गोपी के रूप में कहा, साधन कितने जन्म की साधन भजन ऐसे दिखाए गए। इसी प्रकार अष्टम जुगल हरे हरे कीर्तन करते हुए भी प्रकट ब्रजधाम में राधा कृष्ण की अष्टकालीन माधुर्य की प्रेम सेवा में नियुक्त होते हैं और राधा कृष्ण के मिलन लीला की स्मरण करते हैं, राधा की अत्यंत हृदय मंजरी की तामुल अर्पण पाद मर्दन है, जिसे मंजरी सेवा की भाव का तामुल मर्दन पाद मर्दन क्या श्लोक है, तामुल अर्पणम पाद मर्दन, मैं तो श्लोक आता ही नहीं है, बहुत सुंदर श्लोक है, कितना सुंदर श्लोक भाव के पास है, मंजरी भाव की प्रकाश दिखा दिखाए, तामुल अर्पणम पाद मर्दन कोई उदाहरण अभी तार अभी है, कितना सुंदर भावों की व्यक्त होती जाए, राधा की एकांत की निष्ठा है वर्णन होती जा रही है, जहां पर जिस विलास कुंज में राधा गोविंद की ऐसे निभृत निकुंज लीला आदि होती, ललिता विशाखा आदि जहां पर प्रवेश अधिकार प्राप्त नहीं करते, और वो समस्त मंजरियां जो है अर्दाली के भांति अन्यास में आना जाता है, अर्दाली समझ लेते जैसे कोर्ट में होता है ना, जज साहब के पास रहते हैं ना है? जिसके नाम होता है ना, वो दरवाजा पर आकर के आवाज लगाते हैं है? इसके बनाम ए बनाम हाजिर हो है? कहते हैं इसके अर्दाली का देने क्या कहते क्या दी नहीं, वो जो बोलता है जो जज साहब उसको कहते जाओ बड़ा एक आवाज दो है, जो आवाज देते हैं है? आप ये सब मंजरियां जो है उसी प्रकार है, बिना बाधा से आना जाना शुरू कर, प्राण पृष्ठ सखी क्लास में संकोचिता भूमिका, प्राण पृष्ठ सखियां ललिता आदि उसमें संकोच प्रवेश नहीं कर नहीं पाते है, और ये समस्त मंजरियां के तमुल अर्पण पाद मर्दन पय उदान अभिसार है, उसी विलास कुंज में निसंकोच होकर के है निवृत निकुंज विलास कुंज में है कैसे सेवा आदि कर, ये समस्त वर्णन है। यहां तक भी राधा जी जब अपने प्राण प्रियतम कृष्ण के साथ मिलन के लिए जब जाते, वह मंजरी के हाथ कंधे पर हाथ रख करके चलते, अथवा विलास कुंज के समाप्त होने के बाद है वो समस्त मंजरी की कान पर हाथ रख करके चलते, भाव में अभी
राधा जी विलासगंज की समाप्ति के बाद प्रातः काल एक बार क्या बोले निशांत लल्ला के बाद प्रातः काल हो गया, राधा जी जाबर जा रही थी और हाथ किसके ऊपर रखा, कोई मंजरी के कंधे पर हाथ रखा, चल रही है आगे। और इतने समय राधा जी के अंचल जो है कांटे में लग गया, राधा जी इतने भाव में तन्मय थे, अभी तक मानो वो कृष्ण के साथ मिलन लीला की ही अभी तन्मय हुए हैं। और राधा जी के ये जो अंचल जो है कपड़े के जो अंतिम भाग जो है वो कांटे के झाड़ी में लग गया है। तो राधा जी कह रहे बालो बालो अभी, अरे कृष्ण तुम ऐसे कैसे बाल है, माने मूर्ख हो अथवा कैसे ग्वाल हो है? अरे प्रभात काल हो गया है, ब्रज के लोग बाहर आ जाएंगे और हमारे अंचल पकड़ के तुम खेच रहे हो, थोड़ा बहुत तो ध्यान होना चाहिए। देखो भाव दशा में राधा जी कह रही है। तो सखियां हंसते कहने लगे अरे राधे कृष्ण नहीं है ये, तो कांटे में तुम्हारा आंचल फंस गया। तो राधा जी है लज्जित हो जाए, इसमें तो बहुत कुछ वर्णन है, बालू बालू होती मैं थोड़ा इसमें से बना है। भावना की कितनी सुंदर है, रसिक जान जो है इसकी व्याख्या करते हैं, सुन श्रवण कराते हैं, कितना सुंदर भाव वर्णन किया है। ये समझते इसलिए कहते हैं तमुलो अर्पण पाद मर्दन आदि के द्वारा जुगल सेवा कर रही है साधव, इसी यही सब सेवाओं को स्मरण करते हैं। इसलिए कहते हैं यही लीला स्मरो और गाओ कृष्ण नाम अचिर आते कृष्ण तुम्हारे, यही लीला को स्मरण करते करते नाम ग्रहण करें और तुम्हारे हृदय में ये स्फूर्ति प्राप्त हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर अंतिम में ये आशीष वचन दे रहे हैं, आशीष वचन से कृपा कर रहे हैं है? जैसे सदगुरु सत शिष्य के क्या देते हैं, आशीष वचन देते हैं, माई हार्डली ब्लेसिंग टू यू, चलो है। ठीक उसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं यही लीला स्मरो और गाओ कृष्ण नाम अचिराते कृष्ण तुम्हार पावे प्रेमथन, इसमें से लीलादि स्मरण करो गाओ कृष्ण नाम जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुड प्रेमानंदे वंशाकृत कृपा सिंधु पतितानं पावन भो वैष्णव।